हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम जब व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं तो एक पॉपअप दिखाया जा रहा है कुछ न्यू पॉलिसी अपडेट करने के बारे में। इसे एग्री करना है या नॉट? नाउ हम में से जिसको जो मन में आया होगा किया होगा, मैंने अभी तक नहीं किए। आजकल न्यूज़ में भी इस व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही है। यूट्यूब पर सब लोग वीडियो भी बना रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी व्हाट्सएप के न्यू पॉलिसी के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम है अदिति, वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सबको पता चले कि व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और इससे हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबको एक चीज़ समझना चाहिए कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। इंटरनेट पे जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए सही है, या फिर सब जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए सही है, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ही करते हैं, और भी बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं जो हमें सोशल मीडिया पर कनेक्ट रखती है, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्राइवेसी के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन कल को अगर कोई आकर हमें कहे कि आपका फेसबुक हैक हो गया है, तो हम उनके बात पे ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं हैक हो गया है तो हो गया है, हमारे तो फेसबुक में कुछ नहीं था। अगर देखा जाए तो हम इंटरनेट पर चारों तरफ अपने डेटा फैलाए हुए हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन हम अपने प्राइवेसी के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। चलिए आज हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप हम सबके लिए एक इसेंशियल ऐप है। हमारे जो डेटा है इंटरनेट पर चारों तरफ लीक भी होती है और चारों तरफ फैली भी है। हाँ, अब ये व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी है इतनी ज़्यादा क्यों फैल गई है? क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहा है, हम सब ने इसे कवर भी किया है, यूट्यूब पे सब वीडियो भी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए हम व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं ये न्यू पॉलिसी क्या है और क्यों हमें इसके बारे में जाननी चाहिए और क्यों हमें इससे फ़र्क पड़नी चाहिए। पता है हम सबकी टेंशन क्या है? हम सबकी टेंशन ये है कि व्हाट्सएप हमारे डेटा को, हम जो चैट करते हैं ना, उसे शेयर कर देगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में है कि व्हाट्सएप हमारे चैटिंग को शेयर कर देगा, हम जो बातें करते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप में डेटा है उसे शेयर कर देगा, लेकिन व्हाट्सएप के जो न्यू पॉलिसी है इसके अपडेट का मेन कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। वैसे सारे ऐप का यही कहानी है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप हमारे बारे में कुछ डेटा या इन्फॉर्मेशन, जो भी बोलिए, कलेक्ट करके अपने पास में रखता है। कुछ डेटा इसेंशियल होता है जिसको कलेक्ट किए बिना व्हाट्सएप फंक्शन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें किसी को लोकेशन भेजना है, तो हम व्हाट्सएप को अगर अपने लोकेशन का परमिशन नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे, तो व्हाट्सएप आगे हमारा लोकेशन नहीं भेज सकता। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कैमरा से फोटो खींचकर किसी को भेजना है, तो इसके लिए व्हाट्सएप को आपके कैमरा की परमिशन चाहिए, तभी आपके फोटो को खींचकर आगे किसी को भेज सकेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें व्हाट्सएप को शेयर करनी ही पड़ती है, जैसे कि आपका लोकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस किस ग्रुप में एडेड हैं, उस ग्रुप में किस किस के फोटो लगे हुए हैं, आपके प्रोफाइल फोटो क्या हैं, आपके बैंक डिटेल्स क्या हैं, बिकॉज हम व्हाट्सएप पे चैटिंग में अपने बैंक डिटेल्स के बारे में भी बात करते हैं। आपके जो फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में व्हाट्सएप को पता रहती है, हमारे जो IMEI नंबर क्या है उसके बारे में व्हाट्सएप को पता रहती है, हम कौन से फ़ोन यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे डिवाइस के बारे में व्हाट्सएप को सारी बातें पता होती है। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप हमारे बारे में कलेक्ट करता है। बाय द वे, व्हाट्सएप पे जो हम चैटिंग या मैसेज करते हैं वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, व्हाट्सएप उसे डिकोड नहीं करता, ऐसा व्हाट्सएप बोलता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद जहाँ पे हम मैसेज भेजे हैं उनके पास मैसेज हमारा जब पहुँच जाता है, तब हमारा मैसेज डिकोड हो जाता है और वो पढ़ लेते हैं। बात यहाँ पे ये है कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और फेसबुक की रेपुटेशन कैसी है हम सब जानते हैं। तो व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी अपडेट निकल कर आई है, तो व्हाट्सएप का कहना है कि हम आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी कि कब आप ऑनलाइन हैं, कब आप ऑफलाइन हैं, आप कब किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, 100 चीज़ें हैं हमारे बारे में, 100 चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में जो व्हाट्सएप कलेक्ट करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर कर देगी। और फिर फेसबुक हमारे इन्फॉर्मेशन को कहीं और भी शेयर कर सकता है, थर्ड पार्टी को शेयर कर सकता है। फ्रेंड्स, मेन दिक्कत यहाँ पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसे फेसबुक से क्यों शेयर करनी है। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि हम जब कुछ इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे ऐड दिखाए जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे जो व्हाट्सएप के इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड दिखाए जाएंगे। यहाँ पे एक बात और भी है कि हमें व्हाट्सएप पे भी ऐड देखने को मिल सकता है। व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी के लिए हमारा ऐड दिखाने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हम आपको बता देंगे कि ऐड आ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप ये बात जानता है कि व्हाट्सएप को छोड़कर किसी और ऐप में स्विच करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत बड़ा एक यूजर बेस बन चुका है। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं कि टेलीग्राम सिग्नल में स्विच कर जाएंगे, तो कल को क्या पता इन ऐप्स को भी किसी और कंपनी ने खरीद ली, तब वहाँ पर भी पॉलिसी चेंज हो गई, फिर हम क्या करेंगे। वैसे फ्रेंड्स इंटरनेट पे आजकल हम इतने सारे ऐप यूज करते हैं कि हमारे पास प्राइवेसी तो बची ही नहीं है। हमारी प्राइवेसी ऑलरेडी सारी जा चुकी है, यानी कि हमारे जो भी डेटा है हमारे इंटरनेट पे ऑलरेडी फैल चुके हैं, लेकिन हमें अलर्ट रहने की जरूरत थी और आगे भी है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है और इसे कौन रोक सकता है, तो इसे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट रोक सकती है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप को इंडिया में ऑपरेट करना है तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा। व्हाट्सएप हमें प्रॉपरली लिख कर बता रहा है कि एग्री या नॉट नाउ, हमें ऑप्शन दे रहा है, हमारे पास 8 फरवरी तक का टाइम है, अगर हमने एग्री नहीं किया तो हम व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। हमें अपने प्राइवेसी के बारे में ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान रखना है। अभी आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने फ़ोन में कौन सा ऐप यूज़ करना है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।